अच्छे अच्छे शेयर में पैसे लगाए हैं जो अच्छा चल रहा है। ओके मैम, जेपी जो हाइड्रो था उसका एक एमलगमेशन हुआ था, उस एमलगमेशन यानी कि जो विलय हुआ था उसके बाद उस कंपनी का नाम चेंज हुआ था जेपी हाइड्रो से जेपी पावर, और वो अभी भी ट्रेड करता है 14-15 रुपए पे आसपास कामकाज कर रहा है। 23 दिसंबर सन 2009 को ये एमलगमेशन पूरा हुआ था जिसके बाद इस कंपनी का नाम बदलता हुआ दिखाई पड़ा था। तो आप एक बार कार्वी से ही बात करें, वो आपको शायद बता पाए कि कार्वी किसी और में शायद मर्ज हो चुका है, कार्वी यहाँ से बंद हो चुका है, मर्ज हो चुका है। तो आप मतलब आपका जो भी डीपी है उनसे पता कर सकते हैं इधर, या आप इस कंपनी के रजिस्ट्रार को मेल डालकर ये पूछ सकते हैं आपके शेयरों की एग्जिस्टिंग सिचुएशन क्या है, तो वो एक बार कुछ में आपको शायद टिप्पणी करते हुए बताएं भाई किस तरह की सिचुएशन वहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अभी आपका पहला सवाल तो चले जेपी, बाकी के सवाल आप कौन सा पूछना चाह रहे हो? पहले तो आप बिल्कुल इसके लिए मालूम कराइए, क्योंकि ये जो सुमित जी ने एकदम आपको सही इन्फॉर्मेशन दी है, अब ये जयप्रकाश पावर वेंचर्स के नाम से आ रहा है, तो चाहे से रजिस्ट्रार को एक बार कॉल करिए, अगर आपका जहाँ पे भी डीपी अकाउंट है वहाँ पे ब्रोकर से बात करिए, आपको जरूर कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब अगर मैं यहाँ पे चार्ट्स की बात करूँ तो चार्ट्स यहाँ पे अच्छे मजबूती में बने हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा दायरे का कारोबार दिखा रहे हैं। देखिए जयप्रकाश पावर वेंचर्स अब जो कोट कर रहा है वो 13.65 रुपए का भाव कोट कर रहा है, तो उस हिसाब से जो चार्ट्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, सिग्नल्स दे रहे हैं, वो ये दे रहे हैं कि अभी ये एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा। दायरा 12 रुपए से 14 रुपए के बीच का बना हुआ है, मोटा मोटी 12 से 14.5 आप मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे बायसनेस यानी कि जो ट्रेंड है वो मेजरली अपसाइड का ही है। एक बार 14.5 का लेवल पार हुआ तो और बढ़िया तेजी आएगी जो इसको फिर 16 रुपए तक लेके जाएगी, तो तेजी में ही लग रहा है ये काउंटर। आपके पास शेयर्स हैं, आप एक बार पूरी मालूमात कर लीजिए और बनी रहिए। इसमें टारगेट अपनी अभी जो रखना है वो 16 रुपए का रखना है और स्टॉप लॉस रखना है 12 रुपए 20 पैसे का।